आज हम देखेंगे आगे हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में आपने देखा था डिनोमिनेटर में मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का सम या उसके साथ एक कांस्टेंट या फिर साइन और कॉस के सम का होल स्क्वायर, ऐसे वेरिएशन मिल सकते हैं। तो आज हम अगर साइन स्क्वायर नहीं है रेसिप्रोकल में, सिर्फ साइन है ना, जैसे मान लीजिए 1/a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। इसमें हो सकता है आपको सिर्फ ए साइन एक्स बी कॉस एक्स मिले, कॉन्स्टेंट ना मिले, या फिर सिर्फ ए साइन एक्स और सी मिले, है ना, कॉस ना मिले, या फिर सिर्फ कॉस और कॉन्स्टेंट मिले, साइन ना मिले, ठीक है ना। इट कैन बी एनी, मतलब इनमें से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। साइन एक्स इज, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, 2 tan x/2 1 + tan² x/2। Similarly, cos x is 1 - tan² x/2 and 1 + tan² x/2, ठीक है ना। ये डायरेक्टली डिराइव किए हैं कैसे, साइन 2 a इज 2 tan a over 1 + tan² a। सिमिलरली इज द केस फॉर cos, है ना। ये जो ट्वाइस एंगल वाले फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े हुए हैं, उसी से हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला डिराइव किया है। तो अब वो डेरिवेशन कैसे हुआ वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट हाँ मुझे इतना याद रखना जरूरी है कि ये दो फॉर्मूले मुझे यहाँ पे यूज करने हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था और सॉल्व किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद, ठीक है, स्टेप वन हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। स्टेप टू, वन प्लस टेन स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री, tan x/2 = t। इसके आगे के स्टेप हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, लाइक आई मीन हमें अभी तक हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, है ना, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। अब देखिए, ठीक है, तो इसमें मैं समझता हूं हर मतलब बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं भी दूं चलेगा, लास्ट क्लास में आपने काफी कुछ समझा हुआ है, मैं 2-3 एग्जांपल फिर भी दे दूंगा। अब देखिए यहां पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, हाँ सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ साइन एक्स को हमने बोला था 2 tan x/2, है ना, अपॉन 1 + tan² x/2, और कॉस को 1 - tan² 1 + tan², यही पुट करना था। तो हम फॉर्मूला ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम यहां यूज कर लेते हैं। अब देखिए कॉस की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 - tan² ये लिख लिया। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 + tan² यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 times 1 + tan² x/2 प्लस 4 times 1 - tan²
x by 2, यहाँ पे dx लिख लेंगे, this whole thing is divided by what, 1 plus tan square x by 2, ये लिख लिया. अब देखिए 1 upon fraction उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, मुझे मालूम है 1 अपॉन ए अपॉन बी इज बी अपॉन ए, ये चीज हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, तो हम उस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे. ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसको हम ऊपर ले आएंगे, तो ये हो गया 1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू टेन स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू टेन स्क्वायर. ठीक है, इतना काम हो गया. अब देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहां पे ध्यान रखिए ये x बाय 2 जो है सिर्फ इसके साथ है, नॉट होल अपॉन 2 है ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे 2 नहीं है बट सिर्फ x के नीचे 2 है. ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है. 5 प्लस 4 इज 9, नाउ दिस इज 5 tan, दिस इज 4 tan, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिर्फ tan बच जाएगा, ठीक है ना. स्टेप 1 हमने कर लिया सब्स्टिट्यूशन, स्टेप 2 हमने कर लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर वाला, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, उसके बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर को मैंने न्यूमरेटर में क्या बना दिया, सीकेंट स्क्वायर्ड. ठीक है ना. अच्छा, ये जो स्टेप 2 है ये स्टेप हम सिर्फ न्यूमरेटर में करेंगे, ठीक है ना, ये स्टेप हम सिर्फ न्यूमरेटर में करेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्म्स देखे थे उसमें जब भी हम sec स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखते थे तो हम न्यूमरेटर को कभी नहीं छेड़ते थे, क्योंकि वो dx के साथ, है ना, मिल जाता, dx के साथ मिलके dt बनाता था. तो यहां पे भी हम क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, नीचे तो tan है तो tan ही रहने देंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है. ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में तो हमने sec बना दिया लेकिन नीचे हमने tan को tan रहने दिया, नीचे हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अगर नीचे भी इसको मैंने चेंज कर दिया फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा. अब सब्स्टिट्यूशन, पुट tan x इक्वल्स टू t, ठीक है ना, ये हमारा स्टेप 3 है. पुट tan x बाय 2 इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर्ड x बाय 2 डी एक्स, एक्स के साथ हाफ लगा हुआ है तो 1 बाय 2 यहाँ पे मल्टीप्लायर हमें मिलेगा इक्वल्स टू डी टी, लेकिन मुझे सिर्फ सीकेंट स्क्वायर चाहिए तो मैं इस हाफ को जब उधर शिफ्ट करूंगा ये डी टी इंटू 2 या फिर 2 डी टी मुझे मिल जाएगा. बात समझ में आ गई. नाउ ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन बन गया 2 डी टी, 2 को हम बाहर ले लेते हैं. डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 9 तो नंबर है एज इट इज रहेगा, tan इज t तो दिस बिकम्स t स्क्वायर्ड. यहां तक समझ में आ गया. नाउ नाइन को हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, आई एम सॉरी. नाउ फॉर्मूला लगाना है मुझे, मुझे मालूम है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए. मुझे फॉर्मूला हमेशा सही लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय ए, ए की जगह क्या है
tan इनवर्स x बाय a होता है, तो यहाँ पे x की जगह t है अपॉन a की जगह 3 है प्लस c, तो मुझे लिखना ही है t मैंने किसको पुट किया था tan x बाय 2 को, ये हमारा रिजल्ट आ गया है ना 2/3 tan इनवर्स tan x बाय 2 होल अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। ये हमने देखा cos, मैं आपको साइन बताता हूं अब, अगर अकेला साइन मिलता। अब वैसे तो आप अगर इस रूल को फॉलो करेंगे कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, अकेला साइन दिया हुआ है, क्या है साइन को हमें क्या पुट करना है, 2 tan x by 2 है ना, साइन का सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये फॉर्मूला है, यहां पुट कर देंगे ये 1 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, साइन की जगह हमें क्या लिखना है 2 tan x by 2 1 plus tan squared x by 2, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब इसका ये जो प्रोसीजर है मैं इसको रब कर देता हूं है ना, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, तो स्टेप वन था सब्स्टिट्यूशन है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले तो कन्वर्ट कर लेना है, तो dx इंटू वन सॉरी वन इंटू इस वन को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि अभी कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेते हैं तो वन वन प्लस टैन स्क्वायर, एलसीएम लेंगे वन इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर, यहां पे वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस, ठीक है ना, 2 into 2 is 4, ठीक है, बात समझ में आई, ये हो जाएगा 4 tan x by 2 upon ये मिल जाएगा, राइट right? अब अगेन 1 upon some fraction उल्टा होगा, मतलब ये 1 plus tan square ऊपर जाएगा, देखिए हमेशा 1 plus tan square ऊपर जा रहा है, और हमेशा जो न्यूमरेटर में 1 प्लस टैन स्क्वायर है उसी को मुझे सीकेंट में कन्वर्ट करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, तो ये सॉल्व हो गया ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज हमेशा कन्वर्जन में सिर्फ न्यूमरेटर में करूंगा, डिनोमिनेटर में नो चेंज, टैन टैन रहेगा, हाँ नीचे अगर मुझे सीकेंट मिलता मैं उसको टैन में कन्वर्ट करता, लेकिन हाँ यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको सीकेंट नहीं मिल पाएगा बिकॉज हम साइन और कॉस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और वो मुझे वापस टैन मिल रहा है ना, तो ये हो गया 1 प्लस ओके यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ tan x by 2 इक्वल्स टू t, हम लिखेंगे लेट tan x by 2 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, tan का डेरिवेटिव होता है sec विद अ स्क्वायर, लेकिन यहां x by 2 है तो मैं इस x by 2 को भी डिफरेंशिएट करूंगा यूजिंग चेन रूल, तो x by 2 का डेरिवेटिव मुझे हाफ मिलेगा जिसको कि मैं यहां लिख लूंगा, यहां पे मैं लिख लूंगा dx इज इक्वल टू लिख लूंगा dt, ये 2 को मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो मुझे फाइनली टू dt मिल जाएगा, ठीक है यहां तक क्लियर है। आगे देखिए
अब ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया है टी और डी टी का, उसको हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, टू डी टी। तो हम लिख लेते हैं टू, टू को लिख लेंगे बाहर, सॉरी वन एज इट इज रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसको हम टी स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि मैंने टेन को टी पुट किया हुआ है। दिस इज फोर टी है ना, टेन एक्स बाय टू इज टी और नेगेटिव फोर, क्लियर सो फार। क्या करना है आगे, इसको मैं यहां कर लेता हूं, रीअरेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस फोर टी एंड वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है जो एक्स का कोफिशियंट है, इस केस में टी का जो कोफिशियंट है उसको हाफ करो, यानी फोर को हाफ करो, क्या मिल रहा है टू। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी टू स्क्वायर मुझे इस डिनोमिनेटर में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। दिस टू रिमेन्स एज इट इज, डी टी यहाँ पे हो जाएगा टी विद अ स्क्वायर माइनस फोर टी, टू का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और टू का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस वन तो पहले से है ही है ना, तो क्या करेंगे टू स्क्वायर हम यहां पे कर लेंगे और इसको यहां पे कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम इसको लिख लेंगे टू डी टी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस टू का होल स्क्वायर। वन माइनस टू स्क्वायर, अब देखिए वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे माइनस थ्री मिल गया। यहां तक समझ में आ गया, आगे देखिए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बस लगाना है, वन अपॉन टू ए की जगह लिख लेंगे रूट थ्री है ना, लॉग मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो हम लिख लेंगे एक्स की जगह टी माइनस टू माइनस ऑफ ए यानी कि रूट थ्री एक्स प्लस ए, एक्स की जगह टी माइनस टू प्लस ए की जगह प्लस सी, तो मुझे लिखना ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे टू एंड टू गेट्स कैंसल, ये वन अपॉन रूट थ्री बच गया, लॉग बच गया। अब देखिए इसमें कुछ तो होगा नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा टी माइनस टू माइनस रूट थ्री एंड डिनोमिनेटर में टी माइनस टू प्लस रूट थ्री विद सी। टी मैंने किसको पुट किया था, टेन एक्स बाय टू को पुट कर देते हैं, ठीक है, ये मेरा आंसर है। यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए इसमें आपको मैं समझता हूं कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको बन जाएगा, तो इसमें अब और कोई एग्जांपल मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा आ जाएगा।
ठीक है ना, पीछे, क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो आपको आगे एक नया फॉर्म मिल जरूर रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मूले सारे पुराने ही यूज हो रहे हैं, है ना। हाँ, इसको बस नए फॉर्म में करना क्या होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट करके पुराने फॉर्म में ले आना है। अब जैसे इसमें भी हमने पीछे फॉर्मूला जो पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही सारे फॉर्मूले हमने लगाए हैं, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं विच इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है ना। बाकी तो जितने भी क्वेश्चन आप कर जाए कर लेंगे, दिस वन क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। अब यहां पे क्वेश्चन में वेरिएशन यह है कि देखिए ऊपर भी साइन है, एंड मोर ओवर हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ा था उसमें ये देखा था कि आई विल ऑलवेज गेट वन अपॉन जस्ट साइन, या फिर साइन के साथ कॉस, या फिर साइन कॉस एंड सम नंबर, है ना। यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, एंड सो ऑन। न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं मिलना था, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में भी दिया हुआ है ना, तो ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं, फिर हम इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं। देखिए हम इसमें रूल वही लगाएंगे। नाउ क्यों हम वही रूल लगाएंगे जो हमने अभी तीन स्टेप्स पढ़े थे कि पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टू टैन वाला फॉर्मूला, कॉस इज इक्वल टू वन माइनस टैन स्क्वायर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, हम वही फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, हमने कैसे जज किया। तो एक छोटी सी बात है, यहाँ पे रिमूव द कॉन्स्टेंट्स, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं इस कॉन्स्टेंट को हटा देता हूँ वेरिएबल को नहीं, तो देखिए ये साइन साइन अगर कैंसल हो जाता है तो मुझे वापस वही मिल रहा है। सो इन अ वे ये क्वेश्चन जो है मोर और लेस उसी टाइप का है, राइट। क्या करते हैं इधर, वन प्लस इंस्टेड ऑफ साइन, डिनोमिनेटर में हो गया। अब देखिए एलसीएम, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए टू टैन एक्स बाय टू ठीक है ना। मैंने क्या किया देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एलसीएम लिया इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर बन गया 2 टैन एक्स बाय 2 न्यूमरेटर में पहले से था, होल अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एज इट इज आ गया, बाहर मल्टीप्लाई में 2 टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर उसको मैंने कॉपी किया, यहां एलसीएम लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर इंटू 1 इज 1 प्लस टैन स्क्वायर प्लस का साइन, उसके आगे 1 माइनस टैन स्क्वायर उसको मैंने यहां लिख दिया, आगे स्पेस नहीं है बोल के, ठीक है। तो ये सारा न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर तो मुझे मिलना ही था, यहां तक तो आपने समझा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फाइनली अब देखिए ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ई अपॉन एफ। अब अगर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर,
हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, है ना। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर्स के साथ सॉल्व कीजिए अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये बाहर 1 प्लस टैन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यहां पे भी 1 प्लस टैन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, हम इसको कैंसल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली 1 प्लस ये तो बच गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 टैन एक्स बाई 2 बचा, वन प्लस टैन स्क्वायर वन माइनस टैन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2 बचा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के नीचे फ्रैक्शन यानी बेसिकली 1 अपॉन फ्रैक्शन अगर मुझे मिलता है तो मुझे मालूम है उसको मैं उल्टा करता हूं। अगर ये 1 की जगह मान लीजिए कोई नंबर होता तो मैं क्या करता है इसको, नंबर इंटू दैट फ्रैक्शन लिखता, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है इसको तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ये जो नीचे फ्रैक्शन है इसको उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ गया ये वाला पोर्शन, और ये जो है ये नीचे चले जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इज 4, यहां पे हम dx लगा लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो हमने रूल समझा था 1 प्लस टैन स्क्वायर को हम हमेशा सीकेंट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी किसको, जो dx के साथ लगा हुआ यानी न्यूमरेटर में। अब देखिए पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें तो न्यूमरेटर में 1 था इसलिए सॉल्व हो रहा था, यहां पे देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म है, लेकिन देखिए ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ये ब्रैकेट में है, मुझे सिर्फ इसको सीकेंट में कन्वर्ट करना और किसी को नहीं, यहां पे करने का कोई फायदा ही नहीं है, है ना। तो इसको मैंने लिख लिया, ऐसे लिख लिया, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक। टेन एक्स को टी पुट करते हैं, ठीक है ना, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। अब देखिए बड़ी इजीली ये सॉल्व हो गया, तो ये तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा बन जाएगा ट्वाइस डी टी, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर को लिख लेंगे टी का स्क्वायर, 2 टैन एक्स को लिख लेंगे 2 टी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 विद अ टी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन 4 टी, टी स्क्वायर अपॉन 40, टू टी अपॉन 40, ठीक है ना। तो ये आपने समझा वेरिएशन, अब देखिए इसका आंसर आ गया। हाँ ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हमेशा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। मैं इसको सेपरेट अगर करता हूं तो 2 इज कॉमन टू ऑल, ये 1 अपॉन 4
इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा 2 and 2 कैंसिल, ये 1/2 बच गया, टी एंड टी कैंसिल, सिर्फ डी टी बच गया। इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 1/4 1/t हो जाएगा log ऑफ t, है ना, 1/t इज log ऑफ t, 1/4 सिर्फ t है तो ये हो जाएगा t square by 2, कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा t, प्लस c हम हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। आ गया आंसर, ठीक है ना, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा। अब मैंने t किसको पुट किया था, tan ऑफ x by 2 को। सो दिस बिकम्स 2 1/4 tan x by 2, 1/4 tan square x by 2, ठीक है, और नीचे 2 आ गया तो ये 4 2 8 हो गया, है ना, 4 into 2 8 हाफ टी, बाहर वाले 2 को अंदर ले आते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, बात समझ में आई, 2 into 1/8 हो जाएगा 1/4, 2 into 1/2 हो जाएगा tan, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं log भूल गया था, आई एम सॉरी, यहां पे log था तो ये log ऑफ mod tan x by 2, ये हो जाएगा हाफ log ऑफ mod tan x by 2, है ना, इसके अलावा और कुछ कोई चीज छूट रही है क्या, चेक कर लेते हैं।